हाय एवरीवन, आज के एडिटोरियल में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हाल ही में 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उनका क्या आउटकम आने वाला है। वो क्या गवर्नमेंट, जो वर्तमान गवर्नमेंट है उसके पक्ष में आएगा या कोई नई गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं किसी भी पर्टिकुलर वीडियो की PDF शेयर कर देता हूँ। और अगर इस वीडियो के केस में मैं ये इस एडिटोरियल को वहाँ पर PDF के फॉर्म में शेयर कर दूँगा, तो वहाँ आप खुद भी जाकर इस चीज़ को पढ़ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। टर्नआउट इंडिकेशन क्या आने वाला है, जो इंडिकेशंस हैं वो क्या दिखाई दे रहे हैं कि आखिरकार क्या रिजल्ट रहने वाला है। अ फ्रेगमेंटेड पॉलिसी डिप्रेस टर्नआउट इन पंजाब UP पोल इंडिकेटर क्लोजर बैटल। तो फ्रेगमेंटेड पॉलिसी डिप्रेस, तो यहाँ पर पंजाब की बात करें तो अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग मामलों में जनता अब डिवाइड है। कई चीज़ों में सरकार के कई नीतियों से खुश नहीं है, कई जगह नीतियों से खुश है। तो पंजाब का तो एक अलग अलग सिस्टम है, लेकिन अगर यूपी की बात करें तो वहाँ पर अगर ये देखने को मिलता है कि एक बहुत क्लोज बैटल है। क्लोज बैटल मतलब नेक टू नेक लड़ाई है। इफ़ रीसेंट इलेक्शन आर एनीथिंग टू गो बाय, टर्न आउट नंबर नो इंडिकेशन ऑफ विच वे ऑफ मैंडेट इज स्विंगिंग। अगर रीसेंट इलेक्शन जो कि हाल ही में ख़त्म होने वाले हैं, लगभग ख़त्म होने वाले हैं, तो ये अभी दिखाई नहीं देता कि आखिरकार ये जो वोट परसेंटेज है या वोट है वो किस तरफ अपनी करवट लेगा या किस तरफ मुड़ेगा। मतलब कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी हारेगी, किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार नहीं बनेगी, तो ये देखना है। अगर कन्वेंशनल पारंपरिक तौर पर देखा जाए, कन्वेंशनल विजडम हैज़ बीन हाई टर्नआउट नंबर करस्पॉन्ड टू एंटी इनकम्बेंसी इफेक्ट एंड इंडीड अ सडन स्पर्ट इन वोटिंग नंबर कुड इंडिकेट अ वेव इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो यहाँ पर एक सामान्यतः जो पारंपरिक दृष्टिकोण है उसमें ये दिखाई देता है कि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है तो वो एंटी इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी मतलब जो वर्तमान सरकार है उसके अगेंस्ट लोगों ने वोट किया। और यहाँ पर यूपी के केस में या सभी केसों में ये देखने को मिल रहा है कि वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, तो सीधी सी बात है ये एंटी इनकम्बेंसी का मतलब प्रथम दृष्टया एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है। बट विथ वोटर टर्नआउट स्पेशली अमंग द पुअर गोइंग अप सिग्निफिकेंटली इन रीसेंट ईयर अक्रॉस इंडिया चेंजेस इट टर्नआउट नंबर ऑफ अ लिटिल बाय वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द आउटकम। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, आप पुअर जो गरीबों का वोट है उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा सिनेरियो आपने देखा होगा लास्ट के कुछ चुनावों में या कुछ दिनों में, पिछले कुछ दिनों में, तो ये जो सेगमेंट है ना, जो इस सेगमेंट के लोग जो वोट करते हैं वो पूरा चीज़ बदल के रख देते हैं। वो आप कह नहीं सकते कि आखिरकार किस तरफ वोट मुड़ेगा। हो सकता है जो वर्तमान गवर्नमेंट है वही फिर से सरकार बना ले इन वोटों की दम पर, मतलब गरीबों की वोटों की दम पर। द ड्रॉप इन वोटर टर्नआउट पंजाब फ्रॉम 77 to 71.92 इन 2020 हाउएवर इंडिकेट सर्टेन फ्रस्ट्रेशन विद पॉलिसी इन द स्टेट। तो यहाँ पर पंजाब के अंदर जो पहले 2017 में 77% वोटिंग हुई थी, अब 71% वोटिंग हुई, तो ये जो वोटिंग परसेंट डिक्रीज़ हुआ है ये कहीं ना कहीं लोगों के बीच में फ्रस्ट्रेशन है सरकार की पॉलिसी को लेकर। इन द लास्ट फ्यू मंथ देयर हैव बीन ड्रास्टिक चेंज इन द पार्टी सिस्टम फॉलोइंग द रिमूवल ऑफ कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर्स पोस्ट हिज लीविंग द कांग्रेस एंड ज्वाइनिंग हैंड विद द अर्थवाइल RJNME द BJP। तो यहाँ पर कांग्रेस के अंदर भी अगर देखा जाए तो वहाँ भी अंतरकलह मची हुई है। उसी अंतरकलह के परिणाम स्वरूप कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया और जो नए चीफ मिनिस्टर चन्नी उनको लाया गया। और फिर अमरिंदर सिंह ने उस विरोधी पार्टी को जिसको 2017 में उन्होंने हराया था या विरोधी प्योर शत्रु थे, उसी पार्टी को उन्होंने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। द एंगर ओवर द फॉर्मुला दैट वर लेटर रिपील्ड वॉज फेल्ट मोस्ट इन रूरल पंजाब एंड द फॉर्म एजिटेशन अगेंस्ट द सेंट्रल पॉलिसी शुड हैव प्रोवाइडेड अ वायबल पाथ फॉर द रूलिंग कांग्रेस टू सक्सेस। तो यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 3 कानून लाए फिर उन कानून को वापस कर लिया, तो इन सब चीज़ों से लोगों के बीच में गुस्सा है। और वो गुस्सा अगर कांग्रेस भुना लेती है तो उसे सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये एक व्यवहारिक मुद्दा है कांग्रेस के पास जो इसको ये क्या कर सकती है, भुना सकती है। बट द इन फाइटिंग विद कांग्रेस एंड इट्स ब्लेटेड बट लॉजिकल प्रमोशन ऑफ द इनकम्बेंट चन्नी एज अ चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कॉम्प्लिकेटेड मैटर फॉर द रूलिंग पार्टी। तो यहाँ पर एक और चीज़,
अब मैंने पहले कुछ वीडियो में या पहले एक एडिटोरियल कवर किया था, उस एडिटोरियल में मैंने बताया था कि आखिरकार चन्नी को क्यों कांग्रेस पार्टी ने आगे किया। तो यहाँ पर इनकी जो एक लाइन है कि भाई जो लॉजिकल प्रमोशन मतलब ये चन्नी है जो चरणजीत सिंह चन्नी, उनके प्रमोशन को तो सही ठहराते हैं कि उनको मुख्यमंत्री के फेस का चेहरा बनाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इससे जो पार्टी के अंदर द्वंद्व मचा हुआ है उसको वो चीज़ें क्या कर देती हैं, कॉम्प्लिकेटेड कर देती हैं। अब यहाँ पर अगर आपने लास्ट वाला एडिटोरियल देखा होगा तो उसमें मैंने पूरी गणित बताई थी कि आखिरकार कांग्रेस ने सीएम चन्नी को क्यों मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया है, लेकिन साथ ही साथ चन्नी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनने से जो दूसरे मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे उनको उनमें क्या हो गया, रोष उत्पन्न हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं पार्टी के अंदर कांग्रेस के चल रही हैं। तो वो किस करवट, वो उससे जो पार्टी का जो वोट परसेंटेज है या जो पार्टी का रिजल्ट है उस वो किस प्रकार अफेक्ट होगा, ये रिजल्ट में देखने को मिलेगा। रिपोर्ट फ्रॉम द ग्राउंड सजेस्टेड दैट द आम आदमी पार्टी वाज आल्सो एबल टू कैपिटलाइज ऑफ द जनरल रिसेंटमेंट विद द टू नेशनल पार्टी एंड शिरोमणि अकाली दल, बट द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द पॉलिटी एंड जनरल लैक ऑफ क्लैरिटी अमंग देम ओवर द इशू दैट हैव अफेक्टेड द इलेक्टोरल सीम्स टू हैव डिपेंड वोटर एंथुसियाज्म इन द स्टेट। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी एक बेस दिखाई दे रहा है कि वो भी अपना एक अच्छा खासा वोट परसेंटेज बना सकती है, लेकिन यहाँ पर जो लोगों के बीच पॉलिसी को लेकर या इन सब चीज़ों के कुछ जनरल गुस्सा है, उन सब चीज़ों को लेकर देखा जाए तो वो किस प्रकार से कैसे अफेक्ट करेंगे चुनाव को, ये देखना बाकी है। और उस सब फ्रस्ट्रेशन से या गुस्सा से उसने क्या किया, जो वोट परसेंटेज है वो क्या कर दिया, डिक्रीज़ कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि 77 से 71 या 72% वोट पर गिरा है पंजाब के अंदर। तो इन सब चीज़ों ने भी लोगों के जो वोटर है, वोटर के अंदर जो वोट डालने की जो खुशी होती है उसको कम कर दिया। इन द थर्ड फेज ऑफ पोलिंग 59 सीट इन उत्तर प्रदेश द वोटर टर्न आउट 60.46%, मार्जिनली लोअर देन 62% वोटिंग इन 2000 इन द सेम सीट। तो यहाँ पर जो तीसरे फेज़ की जो चुनाव हुआ है जिसमें 59 सीटों के बीच चुनाव हुआ है, उसमें 2017 में 62% वोट हुआ था, लेकिन अगर बात करें अभी की 2022 की तो सिर्फ 60% वोट हुआ है। तो जो नॉर्मली कम वोटिंग परसेंटेज, एज विद अर्लियर फेज देयर वर हायर नंबर ऑफ वोटर इन रूरल एरिया कंपेयर टू सिटीज़, अ केस इन पॉइंट बींग कानपुर सिटी विच रजिस्टर्ड ओनली 56.14 टर्न आउट। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो सिटीज़ का वोट परसेंटेज है वो कम है, लेकिन गांव का वोट परसेंटेज है वो ज़्यादा है। जैसे कानपुर की बात करें तो लगभग 56% लोगों ने ही वोट डाला। विथ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वेलफेयर एंड पेट्रोनेज डोमिनेटिंग द नेरेटिव ऑफ द इलेक्शन हेयर अर्बन वोटर सीम्स लेस एंथुसियास्टिक कंपेयर टू देयर रूरल वेथन, परहैप्स बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एडेक्वेट एम्फेसिस ऑन द सिविक इशू इन द पॉलिटिकल डिस्कोर्स। तो यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है, वेलफेयर हो गए, पेट्रोनेज डोमिनेटिंग द नेरेटिव ऑफ द इलेक्शन, तो यहाँ पर जो पेट्रोनेज डोमिनेटिंग नेरेटिव मतलब कहलाता है कि भाई अगर हम आएंगे तभी आपकी रक्षा होगी, हम ही एक सबसे बड़े संरक्षक हैं आपके, तो आप हमें ही वोट दीजिए, इस प्रकार की। क्योंकि अखिलेश यादव का अपना एक कोर वोटर है तो वो उनके लिए कहते हैं कि भाई हम ही तुम्हारे संरक्षक हैं। बीजेपी का अपना एक कोर वोटर है, वो कहते हैं हम आपके संरक्षक हैं। ओबीसी का अपना एक कोर वोट है तो वो क्या कहते हैं, हम आपके संरक्षक हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये जब सब चीज़ें गाँव में ज़्यादा प्रभावी रही हैं, गाँव के लोग ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, बजाय इसके कि शहरों के लोग कम इसकी तरफ प्रभावित हुए हैं, और इसी कारण आपको देखने को मिला होगा कि वोटिंग परसेंटेज कम है। दैट सेड ग्राउंड रिपोर्ट फ्रॉम द थ्री फेज हैव इंडिकेटेड अ क्लोजर कॉन्टेस्ट इन कंपैरिजन 2017 व्हेन द बीजेपी हैड फील्ड स्वीपिंग डिस्ट्रिक्ट आफ्टर डिस्ट्रिक्ट इन द असेंबली पोल। तो यहाँ पर अभी वर्तमान में अगर देखा जाए 2022 का इलेक्शन, तो ये बैटल बहुत नेक टू नेक लग रहा है, मतलब बराबरी का चुनाव लग रहा है, बजाय इसके कि 2017 में बीजेपी ने बिल्कुल साफ कर दी गई थी पूरे के पूरे असेंबली पोल में
हर जगह जितने भी जिले हैं बीजेपी ने धड़ाधड़ जीते थे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि बाजी किसी भी तरफ पलट सकती है, तो ये कह नहीं सकते। मैं नाम जानबूझकर नहीं ले रहा हूँ पार्टियों का, वो एक अपना अलग मुद्दा है, अगर इन्होंने लिखा नहीं है तो मैं क्यों लूँ। एक्सेप्ट इन बुंदेलखंड देयर हैज़ बीन एनफ अ बाइंड बिहाइंड द सेल ऑफ अपोजिशन द समाजवाद पार्टी लेड कोएलिशन इन पर्टिकुलर एंड द हाई पिच्ड थर्ड फेज कैंपेन इन द पुटेड टू ग्रोइंग एरिया आर इंडिकेशन दैट द इलेक्शन इज नॉट डन एंड डस्टेड। द रिलेटिवली पीसफुल नेचर ऑफ द पोल एंड सेंटरिंग ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक इशू रेदर देन रिलीजियस आइडेंटिटी बॉडी बोर्ड्स बेल ऑफ द नेक्स्ट फोर फेज ऑफ वोटिंग इन इंडियाज मोस्ट पॉपुलर स्टेट। अगर रिलेटिवली देखा जाए तो पीसफुल नेचर ऑफ पोल, जैसे पहले दंगे होते थे या वो होता था, तो वो नहीं हुआ। एंड सेंटरिंग द सोशियो इकोनॉमिक इशू, और दूसरी बात जो इशू है वो धर्म को आधारित लेकर नहीं, मतलब जिन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है वो धर्म को आधारित लेकर नहीं हो रहा है, बल्कि सोशियो इकोनॉमिक इशू को आधार मानकर ये चुनाव हो रहा है। और यही चीज़ है कि आगे आने वाले फोर उसमें लोग इसी को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले स्टेट में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल। पूरा देखने को मिला होगा कि आखिरकार अभी तक क्या हुआ, आगे आने वाले चार फेसों में क्या होने वाला है। और एक मतलब एग्जैक्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ अपने विचार रखे कि कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर टुडे।